हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर ब्यूटी नेशनल ट्रेवल चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बर्ड्स वीडियो पे। अगर आप एक बर्ड्स और ब्यूटी नेचर लवर हैं तो देखिए इन खूबसूरत पलों को, इन खूबसूरत डक्स को पानी के ऊपर तैरते हुए, और कितना अच्छा मनोरम दृश्य होता है दोस्तों। ये जब इस सुहावने मौसम में ये बत्तखें इस तरह से पानी पर तैरती हैं तो इनका झूमना, इनका नाचना, इनका पानी के ऊपर खेलना कितना सुंदर और कितना मनमोहक होता है। तो दोस्तों, चलते रहिए हमारे साथ इन खूबसूरत पलों के ऊपर और देखिए आप बत्तखों को इसमें देखेंगे, समुद्र में, झील में, तालाब में, दरियाओं में अटखेलियाँ करते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए और इन्जॉय करते हुए, जिस तरह से ये दोनों इस वक्त जो है इन्जॉय कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में पशु और पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। बत्तख जलीय जीव है, यानी कि ये जल का जीव है, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी समय में ही व्यतीत करता है। बत्तख झील, तालाब, समुद्र और के पानियों में पाई जाती है। बत्तख की 40 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ अंटार्कटिका के ठंडे पानी में भी रह सकते हैं। बत्तख हंस की प्रजाति के सबसे छोटे जीव होते हैं। बत्तख के पंख जलरोधक होते हैं, जो कि पूरे दिन पानी में रहने के बाद भी गीले नहीं होते। बत्तख को आप चिड़ियाघर के कृत्रिम तालाब में भी देख सकते होंगे। यदि आप जू वगैरह या जो चिड़ियाघर जाते हैं घूमने, तो वहाँ पर भी आप इनको देखते होंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर इनको देख रहे हैं, पानी के अंदर कितने मन से और कितने प्यार से ये लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, पानी के अंदर खेल रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो इसी तरह देखते रहिए, चलते रहिए इन खूबसूरत पलों के साथ, इन मनमोहक दृश्य को लेकर के आगे दोस्तों। बत्तख के छोटे छोटे और नुकीले इनके पंख होते हैं और इनकी औसत आयु 8 से 10 वर्ष तक की बताई जाती है। बत्तख एक साल में 250 से 300 अंडे देती है। मादा बत्तख अपने अंडों के ऊपर बैठकर इन्हें गर्मी प्रदान करती है, जिससे इनके बच्चों का प्रजनन होता है। बत्तख सर्वहारी होते हैं और ये जल के छोटे छोटे पौधों को, मछली को और कीड़े मकोड़ों आदि को खाते हैं। बत्तख के अंडे बहुत भारी होते हैं और पौष्टिक तत्व से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों, बत्तख समुद्र के अंदर मीलों का लंबा सफ़र तय कर सकती है। बत्तख देखने में बहुत ही सुंदर होता है और ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है। इनकी चोंच चपटी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इनके पंजे जालीदार होते हैं, जो कि इनके तैरने में इनको सहायता प्रदान करते हैं। तो बत्तखों के बोलने पर क्वैक क्वैक की तरह की आवाज़ें निकलती रहती हैं। ये सीटी की आवाज़ भी निकालती है और इनकी आवाज़ धीमी और तेज़ भी होती रहती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं इन बत्तखों को पानी के अंदर किस तरह से जो है मस्ती कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो दोस्तों, चलते रहिए इसी तरह से ये हमारे साथ इस खूबसूरत वीडियो में। और वीडियो को दोस्तों जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए इसी तरह से इन खूबसूरत पलों के साथ, इस बेहतरीन और खूबसूरत मूवमेंट के ऊपर, और प्यार करते रहिए इन बर्ड्स से और लव कीजिए इन परिंदों से। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।